हाय ट्रेडर, आपको निफ्टी एनालिटिक वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हो, इस समय मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम में हूँ और मैं निफ्टी का एनालिटिक कर रहा हूँ। तो आप इधर पे देखोगे, निफ्टी इस समय साइडवेज मार्केट में ही घूम रहा है। पर निफ्टी आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, निफ्टी आपको रजिस्टेंस तोड़ते हुए दिखाने की कोशिश कर रहा है। पर निफ्टी ये रजिस्टेंस तोड़ नहीं रहा है, निफ्टी ये रजिस्टेंस तोड़ नहीं रहा है। निफ्टी खाई रजिस्टेंस के पास जा रहा है, थोड़ा सा रजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, इसके बाद निफ्टी रजिस्टेंस में रिटर्न आ जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ये रिटेलर लोग को दिखाना चाहता है कि मैं ऊपर जाने वाला हूँ, ना कि वो आप सबको प्रॉफिट देना चाहता है। आप ताक को ध्यान से देखोगे, निफ्टी में आप देखोगे अप ट्रेंड ही बन रहा है। इधर पे आप देखो, निफ्टी में आपको अप ट्रेंड दिख रहा है, पर निफ्टी ऊपर नहीं जाने वाला है। और आप मैं आपको थोड़ा धूम करके दिखा दूँ तो आपको इधर दिखेगा कि तब रजिस्टेंस को बार बार निफ्टी तोड़ रहा है। देखो, आप यहाँ पे देखोगे रजिस्टेंस को निफ्टी तोड़ रहा है। रुको, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं आपको एक दिन के टाइम फ्रेम में लेकर आता हूँ, और एक दिन के टाइम फ्रेम में लेकर आने के बाद मैं आपको हिस्ट्री दिखा देता हूँ कि साथ में कहता कहता क्या क्या हुआ है। पहले आप इधर पे देखोगे, मैंने आपको एक पीला कलर का लेबल दिया था, मार्केट इसको टच नहीं किया है। अभी आप इधर पे देखोगे, इधर पे गैप है, मार्केट अभी पीला कलर का लेबल टच नहीं किया है। और आप नीचे देखोगे, नीचे भी अभी गैप है, मतलब नीचे एक्यूरिटी बती हुई है, नीचे बहुत सारे लोग का स्टॉप लॉस बता है। मार्केट इसको भी लेने ज़रूर आएगा, मार्केट इधर भी जाएगा, मार्केट को नीचे ही गिरना है। और मार्केट पीला वाला लेवल टच करने के बाद बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट नीचे गिर सकता है। कहते मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप हिस्ट्री चेक करोगे तो आपको हिस्ट्री में क्या दिख रहा है, मार्केट ऊपर गया, मार्केट ये देखो यहाँ के सपोर्ट और रिटर्न को टच करने के बाद मार्केट सीधा नीचे आया। आप हिस्ट्री देख सकते हो, तो मार्केट इधर भी ऐसा ही काम करेगा, ये चीज़ सबको दिख रहा है। तो बहुत लोग अपने अपने नज़रिए से देख रहे हैं, बहुत लोग को लगता है कि मार्केट और ऊपर जाने वाली है, पर मार्केट और ऊपर नहीं जाएगी। मार्केट अब कितना ऊपर जाएगी, मार्केट 3000 पॉइंट ऊपर चली गई है। आप इसको नापोगे पूरा लेवल, तो मार्केट 3000 पॉइंट ऊपर चली गई है, मार्केट अब ऊपर नहीं जाने वाली है। मार्केट पीला वाला लेवल को टच करने के बाद मार्केट नीचे आएगी। आप इधर पे देखोगे, इधर पे कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, तो मार्केट को थोड़ा नीचे गिरना ही पड़ेगा, ठीक। और मार्केट को ऊपर ही जाना रहेगा तो ये पीला वाला लेवल को मार्केट तोड़ के ऊपर जाएगी, या पीला वाला लेवल को मार्केट तोड़ेगी तो बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट ऊपर जा सकती है। पर आप इधर पे मैं दूम करके दिखा दे रहा हूँ, रजिस्टेंस को आप ध्यान से देखोगे, मैंने ब्लैक कलर का रजिस्टेंस देखा है। इधर देखो, मार्केट इसको तोड़ रहा है। पहली बार रेड कैंडल देखो, मार्केट कितना टूटा टूटा रेड कैंडल बना रहा है, बड़ा रेड कैंडल नहीं बना रहा है। ऐसा क्यों? मार्केट आपको दिखाना चाहता है कि मैं ऊपर नहीं जा रहा हूँ, मैं नीचे नहीं गिर रहा हूँ, मैं ऊपर जा रहा हूँ। क्योंकि गाइस, लिटरल लोग ये देखेंगे वही करेंगे। तो मार्केट आप सबको दिखाने की कोशिश कर रहा है, मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं नीचे नहीं जाऊँगा। मार्केट को ऊपर ही जाना होता तो मार्केट इतना टूटा कैंडल क्यों बनाता? आप इधर पर देखो, मार्केट आपको दिखा रहा है कि मैं नीचे नहीं गिरूंगा। आप इधर पे देखो, मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है, पर ये अप ट्रेंड नहीं है। मार्केट ये अप ट्रेंड बहुत जल्दी तोड़ेगा। और आप इधर पे देखोगे कि मार्केट ने ये कैंडल के हाई का तोड़ा, इसके बाद ये कैंडल के हाई का तोड़ा, पर गाइस ओ वाले कैंडल के हाई का नहीं तोड़ पाया। और आप इधर देख लो, इधर आपको दिख रहा होगा मार्केट वो आपको ऊपर जाते हुए दिख रहा है। इधर आप देखोगे तो मार्केट का लेवल मिलाओगे तो आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, तो मार्केट कितना धीरे धीरे आपको मूव दे रहा है। मार्केट अप ट्रेंड नहीं है, मार्केट ये लेवल को टच करने के बाद मार्केट नीचे गिर जाएगा। मार्केट आपको 3 बार ये लेवल को मार्केट तोड़ा है, तोड़ने के बाद भी ये लेवल फेल हो गया है। आप इधर पर देखोगे, रजिस्टेंस को मार्केट 3 बार तोड़ा है। आपको मैं जूम करके दिखाऊंगा, आपको दिख ही रहा होगा ले मार्केट।